पिछड़े लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसी बात को लेकर के हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर आपके माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जो इस तरह है। वास्तविकता की हदें पार आतताइयों को तत्काल फांसी देने की सख्त जरूरत एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं शहर के बीचों बीच आवास सहित परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने बाबत महानुभाव मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव में जिस ढंग से दबंगों ने पहले गोली मारकर फिर पत्थर पटक कर कमंडी अहिरवार, राजप्यारी अहिरवार और मानकलाल अहिरवार की हत्या की है, इसकी सुर्खियों से पूरा दलित समाज विशेषकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जैसे बिजली के करंट की तरह सूख गए हैं। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो क्या मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के पास इसका कोई समाधान है कि इस प्रकार के आतताइयों में कानून का भय पैदा हो सके। कुछ महीनों पहले सिवनी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 आदिवासियों की भी इसी तरह पीट कर हत्या कर दी गई एवं भिंड जिले के रामगढ़ में कुछ दिनों पहले एक दलित बच्ची की हत्या की गई थी। साथ ही सैकड़ों घटनाएं छुपी नहीं है। प्रश्न उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की सरकार इतनी मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पुलिस थाने आदि अपराधियों को बचाने की जुगत में लग जाते हैं, केवल एक अपराधी को गिरफ्तार करती है और शेष को भगा देती है। सबूत ऐसे गढ़ती है कि कोर्ट में अपराधी निर्दोष छूट जाते हैं। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का विश्वास मध्य प्रदेश शासन से उठ चुका है। तब उसके पास एक ही चारा बचता है कि वह संविधान के संरक्षक के संज्ञान में लाए कि इस प्रकार के मामलों में ठीक वही बर्ताव करे जैसा जघन्य अपराधों में होना चाहिए। 1 माह के भीतर ही मामले की न्यायिक जांच कराकर तत्काल दोषियों को फांसी देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस प्रकार की शक्ति से ही कानून का राज और सच्चा संदेश जा पाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं शहर के बीचों बीच आवास सहित परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी शीघ्र प्रदान करें, इस आशय का ज्ञापन हम आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम में पहुंचा।